अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल अलवीना रेसिपी। तो आप सोच रहे होंगे मैं सिर्फ सैलेड दिखा रही हूँ, रेसिपी कहाँ गायब हो गई। तो रेसिपी कहीं नहीं गायब हुई है। आज जो मैं रेसिपी लेके आई हूँ ये ज़बरदस्ती रेसिपी है और इससे तो आप इनकार कर ही नहीं सकते। तो पेश खिदमत है हमारा खिचड़ा, बड़े के गोश्त का खिचड़ा मैंने बनाया था जिसको बीफ हलीम भी बोलते हैं। तो ये देखिए कितना ज़्यादा टेस्टी लग रहा है, कितना ज़्यादा कलरफुल, मतलब बहुत ज़्यादा जायके वाला बना हुआ था। और यकीन मानिए स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो करते जाएं बहुत टेस्टी बनाता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे देखिए लिया है चावल, और ये मेरी ज़िंदगी का पहला खिचड़ा है जो मैंने इतना कम बनाया है। ये है मश की दाल, ये है मसूर की दाल, ये चना की दाल, ये धुले माश की दाल, ये मलका मसूर छिलके की दाल रोस्ट करी हुई, और ये मूंग खड़ा रोस्ट करा हुआ। अच्छा, यहाँ पे खड़ा माश यहाँ नहीं मिल रहा इसलिए नहीं मैंने लिया, वरना आपके यहाँ मिले तो ज़रूर लें। और ये है गूरी, जो बोलते ना ये कुटी हुई जो है। तो सबसे पहले हम इसे भिगोएंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने गूरी डाल दी है। अब हम डालेंगे इसमें दालें, मलका मसूर की दाल रोस्ट करी हुई, मूँग रोस्ट करा हुआ, माश की दाल, मसूर की दाल, धुले माश की दाल, और अब बारी है चावल की। और इसके बाद हम ऐड करेंगे चना दाल। तो चलिए इन दालों को मिला के हम इसे ओवरनाइट भिगोएंगे, बट मेरे पास टाइम नहीं था इसलिए मैंने इसे 5 से 6 घंटा साफ पानी में धो के भिगो दिया, और मैंने थोड़ा इसको धूम में रख दिया था तो हमारा जल्दी से दाल ये भीग जाएगी। तो चलिए जब तक हम इसे भिगोते हैं, ओवरनाइट भिगोएंगे, टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो इसे करते हैं साइड में। अब इसकी तैयार करते हैं गोश्त को। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने लिया हुआ है कुछ मसाले। तो मसाले अच्छे से देख लीजिए, लहसुन अदरक का पेस्ट 3 चम्मच, खुशबू मसाला, लौंग, इलायची, नमक, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, और ये लाल मिर्ची। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए मैंने गोश्त ले लिया है, और यहाँ पे गोश्त को मैंने धो के रख लिया साइड में। आप देख सकते हैं चर्बी वाला ही चिकना गोश्त है। और यहाँ पे मैंने ये लिया है मस्टर्ड ऑयल, कच्चा है, पका हुआ नहीं है, और ये प्याज गोल कटा हुआ। अब हम लेंगे कुकर में डालेंगे गोश्त, और अब हम इसमें ऐड करेंगे प्याज कच्चा, हल्दी 2 चम्मच, धनिया पाउडर 4 चम्मच, मिर्ची पाउडर 2 चम्मच, लहसुन अदरक का पेस्ट 3 से 4 चम्मच, और यहाँ पे हमारी ये लौंग 4 से 5, और छोटी इलायची भी 4 से 5 हैं, और ये है नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमें दाल में भी डालना है इसलिए हम संभल के डालेंगे। और यहाँ पे कच्चा ये देखिए मैंने तेल इसमें ऐड करा है जो कि हमारा मस्टर्ड ऑयल है, पका हुआ नहीं, कच्चा है। चलिए ये सब डालने के बाद हम इसमें 1/2 गिलास से भी कम पानी डालेंगे और इसे गला लेंगे। अच्छा, ये खुशबू का मसाला अभी नहीं ऐड करूँगी, मैं आपको दिखाती जाऊँगी कब ऐड करना है। चलिए सबसे पहले हम इसे गला लेते हैं। तो यहाँ पर मसाला मिलाने के बाद में तेज़पत्ता डाल के इसे चला लूँगी, और इसको तकरीबन 4 से 5 सीटी लगा के हम इस गोश्त को हटा लेंगे। देखिए कितना ज़्यादा माशाल्लाह से टेस्टी लग रहा है। तो चलिए गोश्त हमारा पक के यहाँ पे रेडी हो चुका है। तो देखा आपने कितनी जल्दी मैंने फटाक से बना लिया है गोश्त, और पीसेस भी सब गल चुके हैं एकदम नॉर्मल है। और यहाँ पर मैं खुशबू का मसाला ऐड कर रही हूँ, तो मैं इसको यहाँ पर मिला लूँगी खुशबू का मसाला डाल के। अब मैंने वापस से लिया है एक कुकर, और यहाँ पे जो मैंने दाल और सब भिगोया था उसका पानी निकाल के मैं कुकर में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। चलिए फटाफट निकालते हैं सारा दाल, और यहाँ पे दाल निकाल के मैंने पानी डाल दिया गलने के लिए 2 गिलास, तेज़पत्ता, हल्दी पाउडर, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, मिर्ची पाउडर, और अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर लौंग, इलायची। तो यहाँ पे देखिए मैंने सारे मसाले सब डाल के इसको अच्छे से चला लिया है, और चलाने के बाद सारा मसाला जब मिल जाएगा उसके बाद अब हम इसको गला लेंगे।
तो चलिए यहाँ पे हम लगाते हैं इस पे सीटी। और यहाँ पे देखिए सीटी लगने के बाद ये कुछ इस तरीके से नज़र आ रहा है। आप चाहें इसे ब्लेंडर से भी पी सकते हैं, हाथ में, क्योंकि गल चुका है मैं इसीलिए इसे चम्मच से ही, क्योंकि अभी ये बहुत देर तक फटकेगा और हाथ चम्मच भी चलेगा तो ये ऑलरेडी मैश हो जाएगा, तो मुझे मथानी वगैरह या ब्लेंडर वगैरह की यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। अच्छा, पानी आपको इतना ऐड करना है कि बस फदक के नॉर्मल रह जाए, यानी मैंने सिर्फ इसमें जो है 2 ग्लास पानी ऐड करा था फिर से। और यहाँ पे देखिए मैं चला के इसको मतलब मैश भी करती जा रही हूँ साथ ही साथ दालों को। और ये देखिए, क्योंकि बिल्कुल बारीक सा बना हुआ मुझे नहीं पसंद है, थोड़ा सा दानेदार हो खिचड़ा तब मज़ा आता है, तो हरी मिर्ची ऐड कर दी है। और ये देखिए यहाँ पे अदरक बारीक कटी हुई है, ये भी ऐड कर दिया इसमें और इसको मैंने चला दिया। अब यहाँ पे मैं ऐड करी जो मेरी टिप है, तो वो टिप ये है कि आप बकरे की चर्बी यूज़ करें, बकरे की चर्बी होती है ना उसे पका लें, तो पकाने के बाद जो घी टाइप में पतला पतला सा बनता है ना, तो उसे मैंने इसमें ऐड किया है कि इसका फ्लेवर ना ज़बरदस्त आता है खिचड़े में। और इसके बाद देखिए मैं यहाँ पे ऐड करी जो मैंने गोश्त पका लिया था, तो हमारा खिचड़े को फदक लग चुकी थी अच्छे से, खूब फदक गया था मेरा खिचड़ा, तब मैंने इसमें गोश्त ऐड करा है। तो गोश्त ऐड करने के बाद यहाँ पे अच्छा मैंने ऑयल लिया है, मैंने इसमें प्याज फ्राई किया था, तो मैं इसी में लहसुन अदरक का पेस्ट डालूँगी 2 चम्मच और मैं इसको भुनने दूँगी। तो चलिए इधर हमारा खिचड़ा खूब अच्छे से फदक, और मैंने लगा ली थी 10-15 मिनट और हमारा रेडी है खिचड़ा। तो अब इसमें हम जो कुछ मसाले ऐड करने हैं तो वो भी ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने डाला है काली मिर्च और 1 चम्मच यहाँ पे डाली हुई हरी धनिया की गार्निशिंग करनी है मुझे। और ये देखिए यहाँ पे गार्निशिंग करने के बाद मैं इसको अच्छे से चला लूँगी। तो चलिए इस खिचड़े को और गरम मसाले को सब मिला लेते हैं। तो मिलाने के बाद ये कुछ इस तरीके से आपको नज़र आएगा। और अब मैं इसमें लगाऊंगी अपना स्पेशल तड़का, एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा, मज़ा आ जाएगा, कमेंट ना आप फौरन करेंगे आके कि क्या खिचड़ा बना है। तो यहाँ पे देखिए लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने धीमी आंच पे खूब इसको, देखिए आप देख सकते हैं ना गोल्डन कलर का हो गया दानेदार सा, और बस हम ऊपर से इसको एक तड़का दे देंगे। तो इसमें हमने डाल के इसको चला लिया है और रेडी है हमारा बड़े के गोश्त का खिचड़ा यानी बीफ हलीम। कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी कमेंट में ज़रूर बताइए। इजी एंड क्विक खिचड़ा बनेगा। तो चलिए मैंने सोचा कि अब करते हैं सर्व। तो सर्व मैंने कटोरी है उसमें नहीं, मैंने एक ग्लास में सर्व किया है। तो देखिए खिचड़े को कितने अच्छे से मैं डेकोरेट कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये देखिए मैंने गार्निशिंग के लिए हरा धनिया लिया हुआ है, हरा धनिया डाल लिए। अब इस पर मैं डालूँगी पुदीना, क्योंकि पुदीने की भी ना खुशबू खिचड़े में ज़बरदस्ती आती है। अगर आप नहीं खाते खिचड़े के साथ पुदीना तो एक बार ट्राई ज़रूर करें। तो यहाँ पे देखिए मैंने, और यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है इसके अंदर तला हुआ प्याज, और कच्चा प्याज मैंने सिर्फ डेकोरेशन के लिए लगाया, खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे मैं रख रही हूँ साइड में नींबू। तो कैसा लगा आपको मेरा खिचड़ा गिलास? तो ये बहुत टेस्टी खिचड़ा बना था, और खिचड़ा ना बहुत ज़्यादा पतला था ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा था, परफेक्ट बना था। और मैंने सर्व किया था हरा धनिया, पुदीना, तला हुआ प्याज, कच्चा प्याज और नींबू के साथ। और ये देखिए यहाँ पे खूबसूरत सा हमारा खिचड़े का गिलास रखा हुआ है। तो प्लीज़ सपोर्ट मी गाइज, अगर आपको मेरा ये छोटी सी रेसिपी और मज़ेदार सी क्विक सी रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल अलवीना रेसिपी को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को भी हिट कर दिया करें, जिससे मेरी वीडियो की कोई भी नोटिफिकेशन हो सबसे पहले आप लोगों के पास आ जाएगी। और साथ ही साथ मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, बहुत मेहनत लगती है। तो प्लीज़ 5 से 10-8 मिनट की वीडियो को फुल वॉच कर लिया करें, और आप प्लीज़ इस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप देख के फॉलो करें, बहुत ज़बरदस्त सा खिचड़ा तैयार होगा। और ये बकरे की चर्बी जो मैंने डाला है और लहसुन अदरक का जो तड़का लगा है, तो ये आपके खिचड़े के जायके को 4 चांद लगा देता है। एक बार आप ट्राई करें एक सिंपल खिचड़ा खा के देखें, एक बाउल, और एक बाउल में ये आप चर्बी और तड़के वाला खा के देखें, ज़मीन आसमान का फ़र्क आपको नज़र आएगा इस खिचड़े में। तो प्लीज़
थैंक यू सो मच की वॉचिंग माई ऑल वीडियोज़। थैंक यू गाइज़।